जो मुल्ला माफिया है वो हमें हर तरह से ये बताती है कि जी जो दूसरे फिरके के लोग हैं वो असल में काफिर, और सिर्फ एक हम ही हैं जो मुसलमान है, सिर्फ अपने आप को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम की किसी चीज को फॉलो नहीं करते। इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ही कहीं कुरान में लिखा हुआ है शिया सुन्नी का जिक्र, लेकिन हम बहुत करते हैं। मेरा नाम आरजू काजमी है, काजमी शिया भी होते हैं और सुन्नी भी होते हैं। मैं जब अपना नाम किसी को बताती हूँ तो मुझसे पहला सवाल यही किया जाता है कि मैं शिया हूँ या सुन्नी, जिसका मैं कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं कि मैं इस तरीके से बताऊं और क्या कहना है और क्या नहीं। ये एक अजीब किस्म की चीज है जो आपको पाकिस्तान में ही सिर्फ देखने को मिलेगी। और ये मुल्ला का जो इस्लाम है, ये आपको हर तरह से ये बताने की कोशिश करता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, जैसे कि वो जिंदगी आपकी नहीं है, उन मुल्ला हजरात की है। वो आपको बताएंगे कि आप इससे बात करो, आप इससे बात ना करो, आप ये करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, आप नमस्कार करोगे तो आप काफिर हो जाओगे, और इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो आप लोग ट्विटर पे भी देखते रहते हैं, जो कमेंट्स आते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपके पाकिस्तानी फॉलोअर्स बहुत कम है या पाकिस्तानी फॉलोअर्स नजर नहीं आते। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मुझे गालियां देते हुए जरूर मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तानी फॉलोअर्स जो आते हैं उनको मेरी बातें या तो समझ में नहीं आती या वो उनको हजम नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली उनके उनके हिसाब से मैं काफिर हो जाती हूँ और उनके हिसाब से जो है मुझे मार देना चाहिए। तो वो इसी किस्म की वो कमेंट्स करते हैं और इसी तरह से वो निकल जाते हैं। चलिए जी, हम आ जाते हैं दोबारा से उसके ऊपर के जी हमारे यहाँ जो है वो काफिर काफिर गेम जो चलती रहती है उसमें हम माइनॉरिटी को हम बहुत नारा लगाते हैं कि जी हम बड़ा ख्याल करते हैं अपनी माइनॉरिटी का। अगर हम अपनी माइनॉरिटी का इतना ही ख्याल करते हैं तो हमें अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में माइनॉरिटी के हवाले से, चाहे वो बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं तो माइनॉरिटी क्यों कहती हो, ये मत कहा करो, अच्छा जो मैं क्या कहूँ, तो जो हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, जो चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है, जिस भी फिरके से उनका ताल्लुक है, जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, हमें उनकी कोई खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नजर नहीं आती? ये बात हमारे यहाँ कोई नहीं सोचता, कोई इस पर बात करना पसंद नहीं करता। आपको कोई टीवी आर्टिस्ट, आपको कोई फिल्म एक्टर, आपको कोई बड़ा जर्नलिस्ट, आपको कोई बड़ा टीवी एंकर, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा भी छोड़ दे, आप किसी छोटे से छोटे चैनल पे देख लें, बड़े से बड़े चैनल पे देख लें, किसी न्यूज़पेपर में देख लें, कहीं देख लें, आपको कहीं पर भी जो है ये अपने हिंदू या क्रिश्चियन या पारसी, अपने मजहब के से हट के जो है, यानी इस्लाम से हट के आपको कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। उसकी क्या वजह हो सकती है? जाहिर है हम उनको एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते हैं, हम उनके साथ, यहाँ तक कि हमारे क्रिकेटर्स की भी एक खबरें आ चुकी हैं कि वो जो है वो जो हिंदू क्रिकेटर थे उन दानिश कनेरिया शायद उनका नाम था, क्योंकि मैं ज्यादा इतना तो क्रिकेट नहीं देखती इसलिए मुझे नाम थोड़े मुश्किल से याद होते हैं, तो वो उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे। और एक अजीब सी बात है कि इस तरह का रवैया हमारे यहाँ है, और उसके बाद हम चौड़े होकर और बाकी सब कंट्रीज के ऊपर एतराज कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने तो मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ है, उन्होंने तो मुसलमानों के साथ बड़ा गलत किया हुआ है। अरे हमने क्या किया हुआ है? हमारे यहाँ कहीं जो है वो आपको बिजनेस कम्युनिटी में हो, मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, कहीं पर भी आपको जो है वो किसी बड़ी सीट के ऊपर, चले मान लिया कि हमारे यहाँ सदर और वजीर आजम जो है वो नहीं बन सकते, आर्मी चीफ जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, मान लिया आपने कि जी आप इस्लामिक कंट्री है और ऐसा करने से तो आपकी नाक कट जाएगी। एक तरफ भारत है, भारत जो है उसकी भी मुझे समझ नहीं आती है, उनके एंकर जो छुटके कह रहे होते हैं नहीं, हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को मोदी जी कह रहे हैं आइसोलेट कर देंगे। अरे कैसे आइसोलेट कर देंगे आप? पाकिस्तान, आपको लग रहा है पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेगा? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई सुनेगा नहीं? वो कैसे भाई, सारी दुनिया से तो हमने, आधी से ज्यादा दुनिया से तो हमने कर्जे लेके रखे हुए। अगर आप किसी आम इंसान से भी दो चार पैसे ले लें तो वो पीछा नहीं छोड़ता, बार बार फोन करता है, बार बार फोन करता है, पैसे दे दो। तो पाकिस्तान को आप कैसे आइसोलेट कर सकते हैं जब इतनी सारी दुनिया से पाकिस्तान ने कर्जा लेके रखा हुआ है, और पाकिस्तान हर थोड़े दिन के बाद जो है वो कहीं ना कहीं भेजता है अपने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे कोई और मिनिस्टर हो,
कि जी जाओ जरा जाके उससे थोड़े पैसे कट के ले आओ ना जरा कच्चा पानी, तो उसके ऊपर आप समझते हैं कि हमें लोग आइसोलेट कर देंगे। कमाल करते हैं भाई, कमाल है पांडे जी, ये तो वही बात होगी। अभी प्राइम मिनिस्टर आए उसमें गए अल जजीरा के इंटरव्यू में, उसके लिए भी आप लोगों ने कहानियां गढ़ ली है। तो उन्होंने वहां जाके कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में जो है वो जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है और जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं है, और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, ऐसी कोई खबर उनको थी ही नहीं। उन्होंने वहां जाके यही कहा कि मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनको क्यों उठा के ले जाते हैं, इनको कौन उठा के ले जाता है। मतलब इतना मासूम हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना कि मतलब मैं कल ना बकरे का छक्का दूंगी इनके लिए। मुझे लग रहा है कि नजर ही ना लग जाए कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि इतने सादे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि आपके यहाँ से जी अभी मतीउल्ला जान साहब जो है वो भी उठा लिए गए थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके मुझे भी उठा लिया जाएगा। लेकिन ये है कि नहीं, खैर बुरी बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। मैं ये बता रही थी आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके ये कहा जजीरा पे, और उससे पहले वो अमेरिका में भी यही बयान दे चुके हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर कोई तरह की पाबंदी है, या वो टीवी पे बात नहीं कर सकते, या वो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, या उनको उठा लिया जाता है, और या वो मिसिंग हो जाते हैं, या उनको मार दिया जाता है। हालांकि अभी कल ही की बात है, बलूचिस्तान में जो फीमेल जर्नलिस्ट थी उनको दिन दहाड़े जो है 7 गोलियां मारी गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की आवाज तक नहीं निकली। इसलिए कि बलूचिस्तान को तो हम पूछते ही नहीं है, इसलिए कि बलूचिस्तान तो हमारा है ही नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से तो हमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। कि एक तरह से ट्वीट कर देते जो कि हर वक्त उनको बीमारी है ट्वीट करने की, लेकिन उन्होंने उस फीमेल जर्नलिस्ट के ऊपर एक जरा सी बात करने जो है वो जरूरी नहीं समझा। एक तो हम लोगों को समझ नहीं आती, पहले हम लोग जो ये पाकिस्तान है, पहले हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ठीक है ना, 1857 से पहले जो है वो हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे कि हमने उनसे पीछे छुड़ाना था। उसके बाद हम हिंदुओं से लड़ रहे थे, फिर हिंदुओं ने भी हमें कहा कि चल भाई निकल इधर से, तो उन्होंने भी हमें जो है वो एक हिस्सा दे गया, उन्होंने कहा चलो भाई भागो इधर से दौड़ो। उसके बाद अब क्या करें हम, हमें तो लड़ने की आदत है। वो मुझे ये जरूर बताएं कि आपने किसी बड़ी जगह पे किसी नॉन मुस्लिम को आने दिया है या नहीं।